नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 8 सालों का इंतजार जो रांची वाला कर रहे थे, आज उनका इंतजार जो है खत्म हो रहा है। बता दें कि कांटा टोली फ्लाईओवर जो है आज उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों होना है। लगभग 2000 से ज्यादा मीटर की लंबी फ्लाईओवर जो है आज उद्घाटन होना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन कुछ पल में पहुँचेंगे यहाँ पर और उसके बाद में इसका जो है उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर के तमाम जो यहाँ पे लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं देखने के लिए, हेमंत सोरेन को देखने के लिए, ये फ्लाईओवर का जो उद्घाटन होना है उसको देखने के लिए, और काफ़ी कह सकते हैं कि उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। हम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आप लोग कितना खुश हैं आज 8 सालों का इंतजार जो है आप लोगों का खत्म होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत खुश है। वो जाम उससे भी परेशान होती थी, अब उस जाम से निजात मिलेगा। अब तो हो ही गया चालू, अब तो अच्छे रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ, आप कहाँ से हैं चाचा? हाँ, कहाँ से आए हैं? चुटिया से। चुटिया से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि काफी दिनों से इंतजार था, लगभग 8 साल लग गया इस पुल को बनने में, आज उद्घाटन होना है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। इंतजार कर रहे थे इस पुल के उद्घाटन का। हाँ, बहुत जाम हो जाता था, बहुत अच्छा हुआ। जाम से अब छुटकारा मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? चुटिया से। चुटिया से ही हैं। काफी खुशी हो रही होगी आज? हाँ, इसीलिए तो इंतजार कर रहे हैं आने के लिए, देखेंगे उनको। अच्छा है जो उतना दूर से जाम हो जाता था, अब जाम नहीं होगा। अच्छा बात। आधा घंटा लगता था जाने में, अब है 15-10 मिनट में निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री को देखने के लिए का इंतजार कर रहे हैं कि उद्घाटन जो उद्घाटन के लिए भी तैयार, देखने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? 11 चुटिया से। 11 बजे से आके हैं। अच्छा, 11 बजे, 11:30 बजे का टाइम था, अभी तक नहीं आए हैं। बहुत लेट हो रही है। अच्छा, कैसा लग रहा है आज 8 सालों का इंतजार जो है आज वो खत्म होने? अच्छा लग रहा है भैया, पब्लिक लेता। अच्छा, सुविधा हुआ है ना, ये ब्रिज बन के बहुत अच्छी हुई है। इतना जाम से मुक्त हो जाएगी। जहाँ आधा घंटा लगता था जाने में, अब 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। हाँ, बहुत कम टाइम, टिकट कम लगेगी, कहीं अपना गंतव्य जाने के लिए बहुत कम टाइम में पहुँच जाएगा आदमी। आप कहाँ से हैं? मिलत कॉलोनी पथलकुलवा। अब काफी खुश हैं क्योंकि? बहुत खुश है। 8 सालों का इंतजार जो है बहुत खुश है। क्या बताएं आपको? आप कहाँ से हैं? तो घाटो रामगढ़ से आए। रामगढ़ से उद्घाटन को देखने के लिए आए? जी जी, देखने के लिए ही आए। बहुत टाइम लगता था, फ्लाइट वलाइट के लिए जाना पड़ता, हम लोग ड्राइवर है, जाना पड़ता था तो फंस जाते थे हम लोग कांटा टोली जाम में, आधा घंटा एक घंटा रेलवे स्टेशन जाना हो उधर से फिर जाना पड़ता था। अभी इससे आराम हो गया, बहुत कम टाइम में हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाए, और सभी का यही कहना है गंतव्य स्थान पे जाने के लिए काफी समय लगता था, जाम के चक्कर में परेशान हो जाते थे, अब कहीं ना कहीं उस जाम से निजात मिलेगा। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। इससे पहले दिखा दें कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचेंगे और इस पुल का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि लगभग 8 साल का इंतजार जो है रांची वालों के को था, 8 साल से इंतजार कर रहे थे लगभग, और आज कहीं ना कहीं वो इंतजार जो है खत्म हो गया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी सौगात जो है रांची वालों को मिली है। रांची वाले कहें या फिर रांची के अन्य जो जिला है जो सटा हुआ है उन के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला है। साफ तौर पर आपने सुना कि कई लोग ऐसे कह रहे थे कि एयरपोर्ट जाना होता था और ऐसे में हम लोग जाम के चक्कर में फंस जाते थे, लेकिन अब यह फ्लाईओवर होने से कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी सुविधा भी है। और यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, हम अपने सहयोगी से आग्रह करेंगे कि वो कैमरा के माध्यम से दिखाएं कि कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग हैं और उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं चाचा आप? चुटिया से हैं। चुटिया से आए हैं। ये बताइए, 8 सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला है? 8 सालों से इंतजार करते करते आज ट्रैफिक से मुक्ति मिल रही है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। और विशेषकर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, 2 बजे छुट्टी होने के बाद में 3 घंटा लेट से घर पहुंचता था, इससे अभिभावक लोग काफ़ी चिंतित रहा करते थे, इसलिए ओवर ब्रिज जो बना उसके लिए बहुत शुक्रिया है। आप कहाँ से आए हैं? हम हिंदपीढ़ी से आए हैं। हिंदपीढ़ी से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, 8 साल से लगातार सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब यह ओवर जो फ्लाईओवर है वो बन जाए और जो जाम में आप लोग फंस जाते थे उससे निजात मिले। नहीं, बहुत दिक्कत उठाए हैं, आज है से हम लोग का खुशी की बात है। खुशी की बात है। मैडम, आप कहाँ से आई? यहाँ पे थोड़ा सामने आइए, सामने आइए।
कहाँ से आए हैं आप? कांटा टोली से। अच्छा, कांटा टोली से है। स्कूटी चलाती हैं आप? नहीं नहीं चलाती है। फिर भी ऑटो वगैरह से जाने में काफी परेशानी हो रही होगी? कांटा टोली हमेशा तो जाम ही रहता है। आज खुश है कि चलिए अब इसे जाम से निजात मिलेगा? हाँ, बहुत ज्यादा। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। आप कहाँ से आए हैं? पलामू से हम लोग आए हैं सर। पलामू से आए हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 8 साल के बाद यह पुल जो है बन के तैयार है और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। बहुत परेशानी हम लोग होता था 8 साल पहले जो है, या 8 साल के अंदर बहुत हम लोग झेले, बहुत ही रास्ते से हुए ना, आने जाने में बहुत कष्ट होता था, गाड़ी जाम लगता था तो आधा घंटा एक घंटा खाली होने पड़ता था। उसके बाद हम लोग आज उद्घाटन हो जाएगा तो बहुत अच्छा हम लोग को हो जाएगा, परेशानी हम लोग का दूर हो जाएगा, यही समझिए। धन्यवाद। आप कैमरा कर रहे थे, ये बताइए कि कितना खुश है, 8 सालों का इंतजार जो है आज वो खत्म होने वाला है? बहुत अच्छा लग रहा है, हेमंत सर के द्वारा ये चीज़ का ओपनिंग किया जा रहा है। बहुत दिनों से इंतजार था कि कांटा टोली में फ्लाई ओवर बने और ये जो जाम का समस्या है वो खत्म हो। आप कहाँ से? पूरा हो रहा है। मैं भी पदल कुदू वहीं से हूँ, इसी मोहल्ला से हूँ जी। कैसा लग रहा है आज 8 साल हो गए से पहले इस पुल का जो है काम चालू हुआ था और आज जो है फाइनली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उद्घाटन करेंगे, कैसा लग रहा है? फाइनली ये जो काम जो मुकम्मल हो गया है इसको लेकर हम लोग सारे आवाम बहुत खुश थे, सारे लोग बहुत खुश थे और मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस काम को 2 साल के अंदर मुकम्मल कराया। इससे बहुत बड़ी जो जाम की जो सुविधा थी उससे लोगों को राहत मिलेगी। 8 साल लग गए ये बनने में, तो कम मतलब 2 साल का लगा ना मुकम्मल टाइम लगा, वो तो पेंडिंग पहले का था, ये 2 साल में कंप्लीट हो चुका जी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है झारखंड के लिए, हम लोगों के लिए, और इस पर सबसे जो अहम रोल जाता है हमारे सीएम साहब को जाता है, वो मुबारकबाद की ये योगदान है। और जितने भी टीम है यहाँ पे, इंजीनियर हुए, वर्कर्स हुए, जो इस पर काम किए दिन रात, उनके भी शुक्रगुजार है कि हम लोगों के लिए उन लोगों ने दिन रात काम किया, तो उनके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी यहीं कांटा टोली से आया हूँ। कांटा टोली से। ये बताइए कि पहले कहीं या फिर ऑफिस जाना हो या फिर काम पे जाना हो, घर से सुबह अगर 9 बजे ऑफिस है तो घर से 7 बजे निकलना पड़ता था क्योंकि मन में डर रहता था कि कहीं कांटा टोली जाम ना हो। बिल्कुल एकदम रहता था, 110% यहाँ पे जाम रहता था, आदमी का माइंड में ये चीज थॉट रहता था कि कांटा टोली जाना मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलो। लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद में आई होप उम्मीद है कि अब ऐसा असुविधा नहीं होगा। कितना खुश है ये बताइए? बहुत ज्यादा खुश है, यहाँ पे देख रहे हैं इतना धूप में हम लोग आके खड़े हुए हैं, ये खुशी का आगाज है, हम लोग कितना खुश है कि नहीं। आज फ्राइडे भी है हम लोग को, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसीलिए कि चलो भाई खुशी का माहौल है, शामिल हो वहाँ खुशी में। कह सकते हैं कि रांची वालों के लिए, आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है आज। चलिए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं उनसे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं? अच्छा, बिहार से यहाँ रहते हैं जी। अरे ये बताइए कि कांटा टोली से तो आना जाना रहता होगा आपका? जी जी। आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि जाम से निजात मिलेगा है ना? जी 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 जी। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि 8 सालों का जो इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है और हम लोग काफी खुश हैं। आखिर खुशी भी क्यों ना हो, लगातार 8 साल से ये लोग जाम की जो समस्या है उसे कहीं ना कहीं रूबरू हो रहे थे और आज फाइनली 8 सालों बाद जब यह फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है तो काफ़ी लोग खुश हैं। खास करके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर स्कूल बस जाम में फंस जाता था तो हमारे बच्चे जहां 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी वहां घर पहुंचते पहुंचते उन लोगों का 4 बज जाता था, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान होते थे। अब फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त, देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।